द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इस प्रोक्सीमल टिब्यूल ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन दे देते हैं पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के बारे में जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हमें पता है कि सबसे पहला पार्ट ऑफ द नेफरॉन होता है जिसको हम लोग वोमेंस कैप्स्यूल कहते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेुलस सेकेंड पार्ट जो होता है वो वोमेंस कैप्सूल से निकलता है प्रोक्सीमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल और यही प्रॉक्सिमल टिब्यूल को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर ये प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल एक ऐसा पार्ट होता है इस नेफ्रॉन का जहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है थर्ड पार्ट जो होता है प्रॉक्सिमल थर्ड पार्ट जो होता है वो इस नेफ्रॉन का होता है जिसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ एंडली और लूप ऑफ एंडली के बाद प्रेजेंट होता है डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल एंड फाइनली प्रेजेंट होता है कलेक्टिंग टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट बेसिक रीनल प्रोसेस जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको भी हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करते हैं हमें पता है कि टोटल चार प्रोसेस होता है जो कि बेसिक रीनल प्रोसेस के अंदर आते हैं जो कि फिल्ट्रेशन या फिर एक्सक्रीशन के अंदर आता है सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो फाइनली वुमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट पहुंच जाता है उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट पहुंचा है इसमें से कुछ सब्सटेंसेस को वापस खींच लिया जाता है फिर वापस ले लिया जाता है इंटू द सराउंडिंग पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन फिर कुछ सबस्टेंसेज जो होते हैं वो फिर से वापस इसमें सिक्रीट कर दिए जाते हैं इंटू द फिल्ट्रेट जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड फाइनली अल्टीमेट एक प्रोडक्ट फाइनल फिल्ट्रेट का प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर दिया जाता है जिसको हम लोग यूरिनरी एक्सक्रीशन कह देते हैं सो so, यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो यूरिनरी एक्सक्रीशन जो अल्टीमेटली होगा वो फ़िल्ट्रेशन दैट इज़ वन प्लस थ्री माइनस टू दैट इज़ फिल्ट्रेशन जितना होगा प्लस जितना सिक्रीशन होगा उसमें से अगर हम लोग रीएब्जॉप्शन को माइनस कर दे तो हम लोग को फाइनल एक्सक्रीशन मिल जाएगा एंड दिस इज एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉपन प्लस सिक्रीशन इसके बाद हम लोग इस प्रॉक्सिमल टिब्यूल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे सो नाउ लेट्स डू अ डिटेल डिस्कशन अबाउट प्रॉक्सिमल टिब्यूल प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं उनकी कुछ तीन खासियत होती है जिसमें से पहली खासियत ये होती है कि इनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है दोनों ल्यूमिनल और बेसोलेटर साइड में और ये माइक्रोविलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है सेकेंड खासियत जो होती है वो इसके ये होती है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हम लोग आगे देखेंगे कि जो ल्यूमेन होता है ल्यूमेन से सोडियम या फिर आ, सोडियम जो होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द ब्लड और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया देयर फॉर इन प्रॉक्सिमल टिबुल्स की जो सेल्स होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एबेंडेंट क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है थर्ड चीज जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लीकी टाइट जंक्शन जनरली जो टिब्यूल जनरली जो पूरा टिब्यूल है दैट इज़ पूरा नेफ्रॉन है उसके अंदर जो दो सेल्स होती है उनके बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है इसमें से जो भी टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है उसमें से जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में जो टाइट जंक्शन होते हैं वो कंपेरेटिवली लीकी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू तो द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में जो प्रेजेंट टाइट जंक्शन होते हैं तो यहाँ पे लीकी टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं ताकि पैरा सेलुलर पाथरे से भी बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब किया जा सके सो so अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये ल्यूमेन है जहाँ से पूरा का पूरा फिल्ट्रेट पास हो रहा होगा ये हमारी प्रॉक्सिमल टिब्यूल की सेल्स हैं और ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट लीकी टाइट जंक्शंस है यहाँ पर इंटस्टिशियम है और फाइनली ये पेरी पेरी ट्यूबुलर कैपलरी दैट इज़ ब्लड है अल्टीमेटली जो ल्यूमेन के साइड में जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम लोग कह देंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और जो ब्लड की तरफ दैट इज कैपिलरीज की तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम लोग कह देंगे बेसोलेटल मेम्ब्रेन तो अल्टीमेटली जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसके पास दो पाथवे होता है ल्यूमन से ब्लड तक पहुँचने का सबसे पहला पाथवे होता है जिसको हम लोग ट्रांसिल्डर पाथवे कहते हैं जिसके अंदर जो फ़िल्ट्रेट होता है वो सेल्स के बीच से ट्रांसिलरली पास करता है इन टू द कैपिलरीज एंड सेकेंड पाथवे होता है पैरा पाथवे जिसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर जो सॉल्यूट uh, होता है वो सेल्स के बीच से पास करता है और फाइनली वो ब्लड तक पहुँच जाता है ब्लड तक पहुंचने से पहले इंटेस्टिशियम से ब्लड में जाने के लिए वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू होकर के वो फाइनली ब्लड के अंदर दैट इज पेरी ट्यूबुलर के ब्लड के अंदर पहुंचता है अब ये जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल है इसके कुछ कॉम्पोनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ये पूरा का पूरा प्रॉक्सिमल टिब्यूल पूरा का पूरा कॉन्विटेड नहीं होता है मतलब पूरा का पूरा फोल्डेड नहीं होता है कुछ पार्ट इसका स्ट्रेट भी होता है तो टोटल दो पार्ट होते हैं प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल के पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल स्ट्रेट टिब्यूल सेगमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल तो 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 तीन सेगमेंट्स में इस प्रॉक्सिमल टिब्यूल को डिवाइड किया गया है S1 वन इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल ये जो S1 है वो इस पूरे के पूरे प्रॉक्समल कॉन्विलेटेड टिब्यूल का फर्स्ट हाफ को हम लोग कहते हैं S1 वन सेगमेंट एस टू सेगमेंट हम लोग कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉक्समल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल प्लस फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉक्समल स्ट्रेट टिब्यूल को मतलब ये जो बचा हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल है इसका सेकेंड हाफ ले ले लेते हैं और जो ये रिमेनिंग प्रोसिमल स्टेट टिब्यूल है उसका फर्स्ट हाफ ले लेते हैं तो इसको मिला करके बन जाता है एस टू सेगमेंट एस थ्री सेगमेंट होता है सेकंड हाफ ऑफ द प्रॉसिमल स्टेट टिब्यूल तो जो बचा हुआ रिमेनिंग सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉक्सिमल स्टेट टिब्यूल है इसको हम लोग एस थ्री कह देते हैं सो so, ये डिटेल डिस्कशन हमने किया प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बारे में इसके बाद हम लोग री को और डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल से जो मैक्सिमम री का जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे होता है Now finally coming to our main part that is reabsorption in the proximal tubule. प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर मैक्सिमम री होता है इस मैक्सिमम री के अंदर हम लोग देखें अगर इसके अंदर क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है तो सोडियम का रि जितना भी रीअब्जॉप होता है सोडियम का उसका टू थर्ड री दैट इज अप्रॉक्सिमटली सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन परसेंट रीअब्जॉप्शन प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर हो जाता है सोडियम को फॉलो करता है वाटर और जितना सोडियम का री होता है उतना ही वाटर का रीअब्जॉप हो जाता है अप्रॉसिमल टिब्यूल से दैट इज वंस अगेन अप्रोसीमेटली इक्वल टू सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन परसेंट पोटेशियम का रि होता है अप्रॉक्सिमटली सिक्सटी सेवन परसेंट फॉस्फेट का भी री हो जाता है अप्रॉसिमेटली एटी परसेंट एंड बाई आयन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली एटी परसेंट ग्लूकोज और एमाइनो एसिड जो होता है उनका प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर हंड्रेड परसेंट दट इज कंप्लीट रीअब्सॉर्पन होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना सोडियम वाटर ग्लूकोज और एमाइनो एसिड कितना कितना एबजॉर्ब होता है सोडियम और वाटर अप्रॉक्सीटली सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन परसेंट रीअब्सॉर्ब हो जाता है और ग्लूकोज और एमाइनो एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है दैट इज हंड्रेड परसेंट रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल अब सोडियम रीअब्जॉप्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सोडियम रिअब्जॉप्शन कैसे होता है और ये कैसे कपल्ड होता है विद ग्लूकोज एमाइनो एसिड एंड फोस्फेट रीअब्जॉप्शन को ये हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर दो मेम्बरिन था एक बेसोलेटल मेबरिन था और एक ल्यूमिनल मेबरिन था जो ल्यूमेन के साइड मेम्रीन होगी उसे हम लोग ल्यूमन मेबर्रीन कहेंगे और जो बेस की तरफ होगी मतलब जो कि कैपिलरी या फिर इंडेस्टिशियम की तरफ होगी उसको हम लोग बेसोलेटल मेम्रीन कहेंगे तो जो बेसोलेटल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे प्रॉक्सिमल टिब्यूल की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम ए पंप ये सोडियम पोटेशियम ए पंप का काम होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अभी कैसे कैसे ये करता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बट पहले क्या क्या प्रेजेंट होता है चैनल प्रोटीन्स या फिर 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 कैरियर प्रोटीन्स ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सोडियम एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर सोडियम फोस्फेट को ट्रांसपोर्टर और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर ये सारे के सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करते हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं रि इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल का तो हम लोग को समझ में आता है कि पहले हमने देखा पंप्स के बारे में तो पंप्स को इसके अंदर हम लोग लोकेट कर लेते हैं सबसे पहले इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं ये है सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल यहाँ पर ल्यूमेन है और इस ल्यूमन से जो फिल्ट्रेट है वो फ्लो कर रहा होगा राइट अब यहाँ से हम लोग को सॉल्यूट को रीअब्जॉर्ब करके फाइनली भेजना है कहाँ पर कैपेलरीज के अंदर ये कैपिलरीज के अंदर ये जो सॉल्यूट है उसको फाइनली हम लोग को जो रिअब्जॉर्ब करना है ये डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होगा अब कौन कौन से चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमने देखा कि इस मेम्ब्रेन को हम लोग कह देंगे बेसोलेटल मेम्ब्रेन क्योंकि ये कैपिलरी या फिर इंडेस्टेशियम की तरफ प्रेजेंट है और ये क्योंकि ल्यूमेन की तरफ प्रेजेंट है तो इसको हम लोग एपाइकल या फिर ल्यूमेन मेम्ब्रेन कहते हैं ल्यूमेटल मेम्ब्रेन कह देंगे बेसोलेटल मेम्ब्रेन में मैंने कहा कि एक पंप मेन इंपॉर्टेंट पंप प्रेजेंट होता है जो कि सोडियम के रिअब्जॉर्शन में हेल्प करता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस ये रहा वो पंप दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे मेनली तीन पंप प्रेजेंट होते हैं या फिर चार भी कह सकते हैं प्रेजेंट होता है एक होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर और ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है ये भी दो तरह के होते हैं एस जी एल टी वन एंड एस जी एल टी टू दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर वन एंड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू मेनली नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट कंडीशन में या फिर नाइन्टी परसेंट जगह पे एस जी एल टी टू प्रेजेंट होता है सो so ये था पहला ट्रांसपोर्टर जो कि प्रेजेंट था कहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे दूसरा प्रेजेंट होता है सोडियम एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर थर्ड प्रेजेंट होता है सोडियम फोस्फेड को ट्रांसपोर्टर और एक सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर भी प्रेजेंट होता है अब इन सब का रोल और इन सब कैसे काम करता है किस मैकेनिज्म से ये काम करता है ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अब इसके अंदर होता क्या है सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम ए टी पी होता है ये सोडियम पोटेशियम ए पंप एटीपी का यूज़ करके सोडियम को भेजता है टुवर्ड्स द पेरी ट्यूबुलर कैपलेरी एंड पोटेशियम का इन्फ्लेक्स हो जाता है इनटू द सेल तो ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रीडियंट जो ये एक्टिविटी होता है उसके लिए ए का रिक्वायरमेंट होता है और ये एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल था इसीलिए अब ये जो सोडियम बाहर की तरफ गया जिसकी वजह से अंदर सोडियम का क्वांटिटी कम हो जाता है और पोटेशियम का क्वांटिटी बढ़ जाता है इंट्रा सोडियम के कम होने की वजह से और पोटेशियम के बढ़ने की वजह से अंदर एक निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है ऑफ माइनस सेवेंटी मिलीवोल्ट अब ये जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है सोडियम का मतलब सोडियम अंदर की तरफ कम है और बाहर की तरफ दैट इज़ ल्यूमिन की तरफ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा सोडियम जिस वजह से सोडियम जो है वो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज़ अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है तो सोडियम के अंदर मूव करने के लिए दो रीजंस होते हैं पहला तो उसको एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाता है क्योंकि बाहर ल्यूमेन के अंदर वो हाई कंसंट्रेशन में था और सेल के अंदर वो लो कंसंट्रेशन में था तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है दूसरा रीज़न इसके पास ये होता है कि अंदर एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है माइनस सेवेंटी मिलीवोल्ट का इस नेगेटिव चार्ज को देख करके सोडियम एबजॉर्ब हो जाता है क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है इस वजह से भी ये अंदर की तरफ आता है तो ये दो रीजंस की वजह से सोडियम अंदर की तरफ आता है अब ये सोडियम जब अंदर की तरफ आता है तो ये अकेले नहीं आता है ये अपने साथ ग्लूकोज को लेकर के आता है क्योंकि ये सोडियम आता है थ्रू एस दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर अब ये जो सोडियम अंदर की तरफ आया इस सोडियम के अंदर के आने की वजह से क्योंकि ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है बहुत सारे एनर्जी रिलीज़ होता है और ये जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो एनर्जी यूज़ करता है ग्लूकोज अपने आप को अंदर लाने के लिए क्यों ग्लूकोज को एनर्जी चाहिए अपने आप को अंदर लाने के लिए क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बाहर प्रेजेंट है लो कंसेंट्रेशन में और अंदर प्रेजेंट है हाई कंसेंट्रेशन में मतलब ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आना है और क्योंकि ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलती है उसको सोडियम के अंदर आने की वजह से तो क्योंकि ग्लूकोज को डिफरेंट सोर्स से एनर्जी मिल रही है जो कि एटीपी नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो एस जी एल टी दट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिमिलरली सोडियम और एमाइनो एसिड भी इसी तरह कपल होकर के अंदर आता है थ्रू सोडियम एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर सिमिलरली सोडियम और फॉस्फेट आयन भी अंदर इसी तरह आता है थ्रू सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर तो ये सारे के सारे जो थे वो थे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल कैसे सोडियम आया ग्लूकोज आया कैसे सोडियम और एमाइनो एसिड आया और कैसे सोडियम

लियूमन इंटू द लियूमन तो अब ये जो सोडियम पोटेशियम ए पंप पेस पंप था जिसमें सोडियम बाहर की तरफ लिया और पोटेशियम अंदर आया जिसकी वजह से अंदर सोडियम का आ, सोडियम का लेवल कम हो गया फिर सोडियम अंदर की तरफ आएगा इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगा जिसकी वजह से फाइनली ये लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूव कर जाएगा ये भी एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है जिसके अंदर हाइड्रोजन को बाहर की तरफ सिक्रीट कर दिया जाता है थ्रू सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर अब ये जो पूरा पीसीटी है इसके फर्स्ट हाफ ऑफ द पीसीटी में हमने देखा कि कैसे सोडियम के साथ ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है अब क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द पीसीटी में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फॉस्फेट रीअब्बॉर्ब हो रहा था तो जो जितना भी क्लोराइड आयन था वो एक्ूमलेट होता जा रहा था और सेकेंड हाफ ऑफ द पी सी टी तक आते आते पूरा का पूरा ग्लूकोज एमाइनो एसिड ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से जो अब एक्क्यूमलेटेड क्लोराइड बच जाता है वो फाइनली सोडियम के साथ रीअब्जॉर्ब होता है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द पी सी टी में तो सोडियम के साथ ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फोसफेट रीअब्सॉर्ब होता है क्लोराइड बस अब ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब में इंक्रीज़ होता चला जाता है लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दी सी टी तक आते आते जब ग्लूकोज एमायनो एसड पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है तब सोडियम को कपल करने के लिए होता है क्लोराइड तब सोडियम के साथ क्लोराइड अंदर की तरफ एंटर करता है तो जो हमने ये भी मेक, जो मैकेनिज्म हमने अभी पढ़ा उस मैकेनिज्म को अगर हम लोग डिटेल में आ, ए, इन स्लाइड के फॉर्म में अगर देखें तो वो यही कहता है कि हमें पता है कि था कि सबसे पहले बेसोलेटल मेम्ब्रेन में, में प्रेजेंट था सोडियम पोटेशियम एटीपेस सोडियम पोटेशियम एटीपेस ने किया था सोडियम को सबसे पहले इंटेस्टिशियम में भेजा था और पोटेशियम को इंटू द सेल भेजा था उसके बाद जिसकी वजह से इंट्रा सेलो लेवल पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो गया था और पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया था और जिसकी वजह से माइनस सेवेंटी मिलीवोल चार्ज डेवलप हो गया था सेल के अंदर इसकी वजह से दो चीज़ें हुई थी पहला पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम हुआ था अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऐसा क्यों हुआ था ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड ड्यू टू माइनस सेवेंटी मिलीवोट जो कि अट्रैक्ट कर रहा था पॉजिटिव सोडियम आयन को सेकंड जो होता है वो फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है थ्रू द कैरियर मॉलिक्यूल्स जैसे एस जी एल टी दट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सोडियम एमायनो एसिड को ट्रांसपोर्टर और सोडियम फोस्फेट को ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है फाइनली बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे आने के बाद बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज एग्जिट हो जाता है थ्रू ग्लूट रिसेप्टर जिसमें से ग्लूट टू मेनली एस वन सेगमेंट ऑफ द पी सी टी में प्रेजेंट होता है और ग्लूट वन जो होता है वो एस थ्री सेगमेंट ऑफ द पी सी टी में प्रेजेंट होता है एमाइनो एसिड नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू एग्जिट कर जाता है एस में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था तो वो हमने देखा कि सोडियम जो तो जो था वो तो अलांग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा था और ये जो अलांग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम मूव कर रहा था ये एनर्जी रिलीज कर रहा था और इसी एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज जो था वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर पा रहा था दिस वॉज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज इसके अंदर इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते थे क्योंकि इसके अंदर एनर्जी सोर्स ए नहीं होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ए जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का जो कि हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से जनरली मिलता है यहाँ पे एनर्जी सोर्स जो है वो ए नहीं है यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या है सोडियम का अंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो उसका सोर्स है सेकेंड एनर्जी सोर्स जो है वो फैसिलिट इज़ फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ द अनदर ट्रांसपोर्टर सब्सटेंस अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट उसकी वजह से एनर्जी डेवलप हो रहा है क्योंकि ये सेकेंडरी टू द सोडियम ये वाला ये वाला फेनोमिना हो पा रहा है जिस वजह से इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं अब ये सोडियम का रि एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया इसके साथ साथ कैसे ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फॉस्फेट का रि एब्जॉर्प्शन होता है ये भी हमने देख लिया पीसीटी के अंदर ना वाटर का भी री होता है सो पी के अंदर हमने देखा था 65 टू 67 परसेंट वाटर का री जो होता है वो अलॉन्ग विद द सोडियम हो जाता है बाई ऑस्मोसिस तो सोडियम और वाटर जो होता है वो री हो जाते हैं इक्वल अमाउंट्स में जिसकी वजह से जो ट्यूबुलर ट्यूबुलर ल्यूमेन होता है उसके अंदर आइसो ऑस्मोलर या फिर आइसोटोनिक सिचुएशन मेंटेन रहती है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग आगे भी इसको यूज़ करेंगे तो वाटर का री हो गया सोडियम के साथ बाई ऑस्मोसिस तो ये था बेसिक्स कैसे हमने देखा ये था पूरा मैकेनिज्म कैसे सोडियम ग्लूकोज एमाइनो एसिड और ये वाटर जो होता है वो रि हो जाता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टिब्यूल इसके बाद हम लोग एक और एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम स्पेशली फॉर ग्लूकोज सो कमिंग टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो होता है वो वो मैक्सिमम रेट होता है जिससे सोल्यूट दट इज ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है हमें पता है कि ग्लूकोज का जो रीअब्जॉप्शन होता है वो सोडियम के साथ कपल होकर के होता है बाई द ट्रांसपोर्टर दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर दैट इज एस जी एल डी ओके नाव ये जो को ट्रांसपोर्टर्स या फिर ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एस जो होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते होंगे हमारे पी के अंदर तो अगर ग्लूकोज का प्लाज्मा कंसनट्रेशन प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज होता चला जाता है होता चला जाता है तो यहाँ जो ग्लूकोज जो रीअब्जॉर्ब uh, होंगे वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे होते चले जाएंगे लेकिन एक समय के बाद जितने सारे एस जी एल टी दटेज जितने सारे को ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे सेचूरेट हो जाएंगे और अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रीअबज़ॉर्प्शन को शो करेंगे जिसके बाद फर्दर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा जिसके बाद एक प्लेट्यू फेज आ जाएगा वो जो मैक्सिमम रेट होता है जहाँ तक ये अचीव कर लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज सो एक्चुअली में क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज डिलीवर्ड टू द टिब्यूल दैट इज ट्यूबुलर लोड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है देन द कैपेसिटी ऑफ द कैरियर प्रोटीन तब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहुँच जाता है और ये जो रेट होता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का वो होता है थ्री मिलीग्राम पर मिनट अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू टू बी लर्न नाउ नॉर्मली हम लोग देते हैं कि नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसन्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसी लीटर जब रहता है और फिल्टर्ड लोड भी हम लोग नॉर्मल जब लेके चलते हैं दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम पर मिनट तब कोई भी ग्लूकोज का यूरिन में लॉस नहीं होता है बट जैसे ही प्लाज्मा ग्लूकोज का कंसनट्रेशन टू हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसी लीटर पहुँच जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं रीनल थ्रेश होल्ड ऑफ ग्लूकोज सेकेंड इम्पॉर्टेंट वैल्यू दट इज़ टू बी लर्न रीनल थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज टू हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसी लीटर और उस समय फिल्टर्ड लोड जो होता है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ गया है तो वो हो जाता है टू फिफ्टी मिलीग्राम पर डेसी लीटर जिस समय हम लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज अपियर होना लगता है यूरिन के अंदर तो वट इज रीनल थ्रेशोल्ड वो रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज वो वो, वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज होता है जिसके बाद वो यूरिन के अंदर अपेयर होने लगता है इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं तो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सेस है उसमें हम लोग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन लेते हैं और बाई एक्सेस के अंदर हम लोग ग्लूकोज का फिल्टर्ड लोड एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्बन को देखते हैं एक एक करके सबसे पहले हम लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो जो फिल्टर्ड लोड है वो बढ़ता चला जाएगा जो ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलस से वो बढ़ता चला जाएगा दैट इज़ फिल्टर्ड लोड बढ़ता चला जाएगा सेकंड हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि जब हम लोग बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे प्लाज्मा का ग्लूकोज का कंसनट्रेशन तो फिल्टर्ड लोड तो बढ़ता जा रहा था लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही हम लोग पहुँच गए टू मिलीग्राम पर डेसी लीटर पे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज यूरिन में अपेयर होने लग गया तो एक्सक्रीशन ऑफ द जो एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज हम लोग को कब देखने को मिला 200 मिलीग्राम पर डेसी से हम लोगों को एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज देखने को मिला मतलब रीनल थ्रेशोल्ड जो था ग्लूकोज का वो 200 मिलीग्राम पर डेसी था और उसके बाद हम लोगों को एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज देखने को मिला क्लियर रीअब्जॉर््पन ऑफ द ग्लूकोज भी बहुत पहले से चल रहा था मतलब हल्का सा जब भी नॉर्मल ग्लूकोज कंसनट्रेशन जब था तब भी रीअब्जॉप्शन हो रहा था ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था हम लोग प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ा रहे थे और हो रहा था हो रहा था हो रहा था लेकिन एक समय के बाद जब सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो सेचूरेट हो जाते हैं उसके बाद फिर ये रीअब्जॉप्शन इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है ग्लूकोज का कंसनट्रेशन हम लोग कितना भी बढ़ा बढ़ाते रह जाएँ उसके बाद फिर ये रीअब्जॉपन का जो रेट है वो बढ़ नहीं सकता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कह देते हैं मतलब जब ये रेट पहुंच जाता है अप्रॉक्सीमेटली 375 मिलीग्राम पर मीटर मिनट उसके बाद फिर ये रीअब्जॉपन का रेट बढ़ नहीं पाता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जिसके बाद एक प्लेट्यू फेज प्लेट्यू फेज आ जाता है तो ये इस ग्राफ से हमने समझा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी इसके बाद एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि हमारा थ्रेसोल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसी लीटर पर आ गया लेकिन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो आ रहा है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है मतलब जब प्लाज्मा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन 200 मिलीग्राम पर डेसी लीटर था तो फिर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी तो उसी जगह पर आ जाना चाहिए था क्योंकि अपियर कभी कब कभ होगा यूरिन में ग्लूकोज जब पूरा का पूरा सेचूरेट हो जाएगा उसके बाद ही अपेयर होना चाहिए ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है हमारे अंदर लेकिन इसका आंसर होता है स्प्ले देर इज़ अ एक टर्म होता है स्प्ले ये स्प्ले टर्म क्या होता है कि ये कहता है कि जो अपेयरेंस होता है ग्लूकोज इन द यूरिन जो कि थ्रेशोलोल्ड में हम लोग को देखने को मिलता है वो वो पहले हो जाता है देन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज रीच्ड मतलब पूरा का पूरा हम लोग मतलब इससे का कहने का मतलब ये है कि जो स्प्ले जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि जो जितने भी नेफ्रॉन हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तो एक जैसा नहीं होता होगा किसी नेफ्रॉन का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहले आ जाता होगा किसी का बाद में आ जाता है तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर द किडनी जो होता है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट होता है ये रीच होता है व्हेन ऑल द नेफ्रॉन्स हैव रीच्ड देयर मैक्सिमम कैपेसिटी टू री ग्लूकोज तो ये जो डिफरेंस तो तो आ रहा है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के आने में और थ्रेशोल्ड के आने में ये डिफरेंस जो आ रहा है थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इस स्प्ले की वजह से क्योंकि तो जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक बार में थ्रेशोल्ड नहीं अचीव करते किसी नेफ्रॉन का थ्रेशोल्ड थोड़ा लेट अचीव होता है किसी का पहले अचीव हो जाता है तो अल्टीमेटली जब सबका नेफ्रॉन का जब थ्रेश्ड अचीव हो जाता है तब जा करके ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम उसको हम लोग कहते हैं और तब वो होता है जब जब 375 मिलीग्राम पर मिनट से रीअब्सॉप्शन हो रहा होता है इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि पी के अंदर कुछ कुछ चीज़ों का सिक्रेशन भी होता है जिसमें से एच प्लस का सिक्रेशन हम लोग देख चुके हैं बाई सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इसके साथ साथ पैरामाइनो हैप्यूरिक एसिड का भी सिक्रेशन होता है बाइल सॉल्ट का भी सिक्रेशन होता है और यूरेट्स का भी सिक्रेशन होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर दिस वीडियो और मोर सच वीडियोज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू